हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो भाई आप सभी लोग? मनोरंजन मसाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपसे एक लॉजिकल पजल पूछने वाले हैं, तो देखते हैं भाई कि कौन कौन ये पजल सही गेस कर पाता है। एक जादूगर जादू दिखा रहा था, तो उसने एक बच्चे को बुलाया और एक थैले में चार ग्रीन कलर के और एक रेड कलर का बॉल डाल दिया और उस बच्चे से कहा, अगर तुम बिना देखे पहली बार में ही रेड कलर का बॉल निकाल दोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बच्चा बड़ा स्मार्ट था, थोड़ा सोचता है और उसने थैले में से बिना देखे पहली बार में ही रेड कलर का बॉल निकाल दिया। लेकिन भाई कैसे, वो भी बिना देखे? बच्चे ने एक ही बार में रेड कलर का बॉल कैसे निकाला होगा? तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और जल्दी से अपना जवाब कमेंट कीजिए। अरे यार, इसका जवाब तो बहुत ही सिंपल था। देखिए, ग्रीन कलर का बॉल तो टेनिस का बॉल था और रेड कलर का बॉल लेदर का बॉल था और उसमें ग्रिप होती है, तो ग्रीन कलर के यानी टेनिस के उसमें चार बॉल थे, जबकि रेड कलर का यानी लेदर का एक ही बॉल था और उसमें ग्रिप थी। इसलिए बच्चे ने बिना देखे इस ग्रिप की मदद से बड़ी आसानी से रेड कलर का बॉल निकाल दिया और इनाम जीत लिया। लेकिन भाई, आप में से किस किस ने ये पजल सही गेस की थी, तो वह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट जो करते हो और हम आप सभी के कमेंट पढ़ते हैं। और हाँ भाई, हम तो भूल ही गए, बच्चे की बुद्धिमानी के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है ना, तो जल्दी से लाइक ठोक दो यार। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं अगली पहेली। दोस्तों, पजल नंबर 2 आज थोड़ी हार्ड होने वाली है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। आपके सामने मैस्टिक से बनी हुई एक पिक्चर आई है, जिसमें आपको 3 मैस्टिक को हिलाकर 3 स्क्वायर बनाने हैं। तो भाई, आप ये कैसे करोगे? तो नाउ लेट्स गो। ओहो, ये तो बहुत ही टफ हो गया है ना। लेकिन कोई बात नहीं यार, यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी। देखिए, हम सिर्फ इन 3 मैस्टिक को कुछ इस प्रकार हिलाएंगे तो बन जाएंगे 3 स्क्वायर। तो आप में से किस किस ने ये पजल सही गेस की थी, तो वह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए जल्दी से फिर से, आपके सामने एक पिक्चर आई है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पिक्चर ऑड वन आउट है। तो अच्छे से देखिए और जल्दी से अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। देखिए भाई, इनमें से ये वाली पिक्चर ऑड वन आउट है, जबकि ये तीनों पिक्चर पेट्रोल या डीजल पर चलती है, लेकिन ये सिंपल बोट है जो सिर्फ हाथों से चलती है। तो क्या आपने ये भी सही गेस कर लिया था क्या? तो मानना पड़ेगा यार कि आप गेस करने में माहिर हो। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं अगली पहेली। दोस्तों, पजल नंबर 3 आज थोड़ी टफ होने वाली है, तो जरा अच्छे से देखिएगा। आपके सामने एक पिक्चर आई है, जिसमें एक लड़की बॉल को लेकर खड़ी है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बॉल को कौन से रास्ते से फेंके जिससे बॉल गोल के अंदर चली जाए। तो भाई, क्या आप इस लड़की की मदद कर सकते हो क्या बॉल को गोल तक पहुंचाने में? तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। मिला क्या भाई आपको रास्ता गोल तक जाने का? नहीं मिला। अरे यार, ये देखिए, वो इस बी नंबर वाले रास्ते से बॉल को छोड़ेंगी तो बॉल सीधे गोल के अंदर चली जाएंगी।
वैसे आपने कौन सा रास्ता सोचा था तो वह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं लास्ट पहेली। दोस्तों भाई आप सब्जी तो खाते हो ना, और आपको सभी सब्जी के नाम भी पता है, तो चलिए देख लेते हैं कि आप ये सब्जी सही गेस कर पाते हो या नहीं। तो देखिए आपके सामने एक पिक्चर आई है, तो आपको बताना है कि इस पिक्चर से किस सब्जी का नाम बनेगा। तो नाउ टाइम इज स्टार्ट। अरे गेस किया क्या आपने, या फिर आपको टप लगा? भाई इतना भी टप तो नहीं था। देखिए ये है 3 यानी 3, और ये है अंडे, तो दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा? टिंडे। तो आप में से किस किस ने ये सब्जी खाई है? तो झूठ मत बोलना यार, सही सही कमेंट में बताना। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन है आज के लकी विनर। तो हमारे पिछले वीडियो का आंसर था यूनाइटेड प्रोविंस। तो ये रहे आज के वो 10 लकी विनर। फ्री फायर, शिम्पी सिंह, शक्ति पांडे, रसिका थुले, गेमिंग विद आदर्श, अजीजा परवीन, नासिर नॉलेज, दीना गुप्ता, अंशिका सोनी और स्मार्ट गैजेट। दोस्तों आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई हो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो जल्दी से कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।